हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 84 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहले अपडेट है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर के रूमर की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ चुका है और वो नाम है डेडपूल 3 के डायरेक्टर शॉन लेवी का। अब ये रूमर आई स्कूपर कैन वी गेट सम टोस्ट की तरफ से। अब इस रूमर को लेकर एंटरटेनमेंट टुनाइट पर शॉन लेवी से ये सवाल जब पूछा गया कि क्या ये सच है, जिसमें शॉन ने हाँ तो नहीं कहा बट ना भी नहीं कहा, जिसके बाद से अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोटेंशियल लिस्ट में शॉन का भी नाम होगा। वैसे शॉन के पास पहले से मार्वल मूवी डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस तो है, बट लेट्स सी। अगली न्यूज़ है दी मार्वल से। तो दी मार्वल्स का एक नया ट्रेलर रिलीज़ किया गया है और इसी के साथ मूवी का आईमैक्स पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया गया है, जिसे आप सब अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हो। वहीं इस नए ट्रेलर में बताया गया है कि मूवी में 30 मिनट्स तक का एक एक्सक्लूसिव आईमैक्स पार्ट है, जो कि नॉर्मल थिएटर्स में अच्छे नहीं लगेंगे। क्या ही फ़ायदा मार्वल भैया, वैसे भी इस मूवी को लेकर लोग ना के बराबर ही एक्साइटेड हैं। आईमैक्स में दिखा दो या मत दिखाओ। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है अपने किंग पिन से। हाँ जी, तो हम फैंस अब शायद इस साल विंसेंट डोनोफ्रियो को एज किंग पिन ना देख पाएं। किंग पिन इस साल नवंबर में आने वाले शो ईको में दिखने वाला था, बट अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ईको इस साल डिले हो सकती है और अगले साल के जनवरी में शिफ्ट हो सकती है। एपिसोड्स सारे एक साथ ही आएंगे जैसे पहले डिसाइड किया जा चुका था, बट इसके चांसेस हाई हैं कि ईको इस साल ना आ पाए। अगली अपडेट है एमसीयू के स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी से। तो अब ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि एमसीयू की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी का भी एक नाम है और अपने स्पाइडरमैन नो वे होम द आर्ट ऑफ द मूवी बुक में ये बताया गया है कि इसका नाम है होम ट्रायलॉजी। तो ये है जी टॉम हॉलैंड के स्पाइडी ट्रायलॉजी का नाम। अब मशहूर रैप सेंसेशन ट्रैविस स्कॉट ने मार्वल के फेज 5 के एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। एक्स पर पोस्ट करके ट्रैविस ने बताया कि वो ब्लेड मूवी के लिए म्यूजिक बनाना चाहेंगे। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ट्रैविस पहले भी एमसीयू में म्यूजिक दे चुके हैं, वो भी ब्लैक पैंथर मूवी में, जहां वो केंड्रिक लमार के साथ मिलकर काम किए थे। तो मैं तो कहूंगा कि क्यों नहीं, और हम सब तो चाहेंगे कि ब्लेड मूवी को भी ब्लैक पैंथर जैसे फायर साउंड ट्रैक्स दिए जाएं। तो मार्वल से तो इतने ही अपडेट्स थे, अब चलते हैं डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्लू बीटल मूवी से। तो मूवी ने अब तक ग्लोबली कमाए हैं सिर्फ $114 मिलियन। हाँ जी, ये उसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का आंकड़ा है। ये मूवी भी DCU के फाइनेंशियली फ्लॉप मूवीज के कैटेगरी में जा चुकी है, बट हाँ याद रहे गाइस कि ये मूवी कभी भी थिएटर्स में रिलीज करने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। ये मूवी एक स्ट्रीमिंग ओरिजिनल प्रोजेक्ट होने वाली थी, बट ये थिएटर्स में आ गई और अब पिट गई। अगली अपडेट है कि इस वीक एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम का टीजर आया और टीजर में कई लोगों ने मेरा के ग्लिम्प्स को कैप्चर कर लिया और अब जेम्स वॉन पर यह सवाल दाग दिया गया कि क्या सच में आपने मेरा का रोल को मूवी से काटा है। जेम्स वॉन का कहना रहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वो हमेशा से चाहते थे कि ये मूवी आर्थर और उसके भाई ओम की स्टोरी हो, ना कि आर्थर और मेरा की। ये एक ब्रोमांस स्टोरी है, ना कि रोमांस। अच्छा, सब समझ में आता है जेम्स भैया, पर कोई ना, बात तो छुपाना ही पड़ता है। बट जब जेम्स वॉन से ये पूछा गया कि क्या एक्वामैन 2 किसी दूसरे DCEU मूवी से क्रॉसओवर करेगी, यानी कनेक्ट होगी, तो जेम्स ने इससे साफ मना कर दिया, यानी कि एक्वामैन 2 DCEU के किसी भी प्रोजेक्ट से कनेक्टेड नहीं है। और फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या हमें कोई दूसरे हीरोज दिख सकते हैं, इस पे जेम्स ने कह दिया नो कमेंट्स। यानी एक्वामैन 2 की हालत अभी से टाइट है गाइस। आप सब बताओ कि इस मूवी के साथ क्या होगा बॉक्स ऑफिस पर। अगली अपडेट है जेम्स गन की तरफ से। तो उनके रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि करेंटली DCU के 2 प्रोजेक्ट्स की स्क्रिप्ट पूरी तरह लिखी जा चुकी है और वो है क्रीचर कमांडोज और सुपरमैन लिगेसी। इन दोनों के अलावा और किसी भी प्रोजेक्ट पर वर्क अभी चल नहीं पा रहा राइटर स्ट्राइक की वजह से। वहीं वैरायटी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुपरमैन एंड लुइस का 4th सीजन अगले साल तक डिले हो सकता है इन ऑनगोइंग स्ट्राइक्स की वजह से। और हॉलीवुड अपडेट्स में बस 2 ही न्यूज़ हैं। पहली तो ये कि वन पीस लाइव एक्शन को 2nd सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया है, वहीं सेक्स एजुकेशन सीरीज़ के फाइनल सीजन का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब बारी है हमारे देसी सेगमेंट सुपर सिनेवार का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। तो जवान इंडिया में 391 करोड़ कमा चुकी है और वर्ल्ड वाइड जोड़ दें तो ये आंकड़ा 696 करोड़ हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 700 करोड़, वो भी बस इसके पहले हफ्ते में। यानी कि ये मूवी छप्पर फाड़ रही है भाई। वैसे अगर आप सबने जवान देख लिया हो देन अपने रिव्यूज कमेंट्स में जरूर बताना। अब अगली न्यूज़ भी बड़ी है और
और ये है रोहित शेट्टी की अगली मूवी सिंघम अगेन से। तो खबर एकदम पक्की है और वो ये है कि मूवी में अजय देवगन के अगेंस्ट विलन के रोल के लिए अर्जुन कपूर को कास्ट किया गया है। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। क्या खबर छपी है भाई, ये बंदा कभी ढंग का प्रोटैगनिस्ट नहीं बन पाया और अब इसे विलन बनाया जा रहा है। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। अगली बड़ी न्यूज है कि क्या अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की क्लासिक मूवी धड़कन का सीक्वल आ सकता है। इस पे धड़कन मूवी के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन से बात करी गई, जिसपे उन्होंने बताया कि पुरानी मूवी के प्रोड्यूसर रतन जैन पिछले 10 साल से उनसे कह रहे हैं कि उन्हें धड़कन 2 लानी चाहिए, बट हर बार धर्मेश ही मना कर दे रहे थे। उनका मानना है कि धड़कन एक क्लासिक मूवी है और अगर कोई सीक्वल बनी देन वो एक ही शर्त पर इसे बनाएंगे कि मूवी के किसी एस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना की जाए तभी। अगली अपडेट है नाना पाटेकर के तरफ से। तो उनकी आने वाली मूवी दी वैक्सीन वॉर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर उनसे पूछा गया कि वो वेलकम 3 में क्यों नहीं है, उस पे नाना पाटेकर ने क्या कहा वो सुनना। उन्होंने कहा, उनको लगता है हम पुराने हो गए हैं इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया, इनको लगता है कि अभी हम पुराने नहीं हुए हैं इसलिए इन्होंने ले लिया। सिंपल है, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो आपके लिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती। लोग आएंगे, आपको पूछेंगे, आपको ये जानना है कि आप वो करना चाहते हैं या नहीं। मैं समझता हूँ ये मेरा पहला चांस है और आखिरी चांस है, उतनी ही जान डालनी चाहिए उसमें। हर एक को काम मिलता है, बस आप करना चाहते हैं या नहीं उस पर निर्भर है। तो देखा जाए गाइस, तो ये तो साफ है कि खुद नाना पाटेकर इस पे बात नहीं करना चाहते और कहीं ना कहीं खटास तो है। और इनकी बातों को देख के ये कहा जा सकता है कि शायद से स्टूडियोज़ ने नाना पाटेकर को अप्रोच तक नहीं किया वेलकम 3 के लिए और ना ही उन्हें ये बताया गया कि उनका रोल हटाया जा रहा है। अगली अपडेट है मुन्ना भाई MBBS के थर्ड पार्ट से रिलेटेड। अब एक क्लिप वायरल हुई है जिसमें संजय दत्त को उनके मुन्ना भाई अवतार में देखा जा सकता है, जिसे देखते ही राजू हिरानी कहते हैं मुन्ना इज बैक। और फिर तभी दूसरे तरफ से अरशद वारसी एंटर करते हैं अपने सर्किट वाले लुक में और वो संजय दत्त से गले मिलते हैं और फिर राजू हिरानी कहते हैं वी आर बैक। अब इसके बाद से लोग इस स्पेकुलेशन में हैं कि क्या मुन्ना भाई MBBS के थर्ड पार्ट पर काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इस पे बात बहुत टाइम से चल रही थी और प्रॉब्लम बस इसके स्क्रिप्ट को लेकर आ रही थी, बट नाउ लेट्स सी। अगली अपडेट है कि मशहूर 80s जापानीज टीवी शो टकेशीज कासल का एक इंडियन रिबूट आने वाला है जिसका नाम भी टकेशीज कासल ही होगा। अब इसमें कमेंट्री के लिए बीबी यानी कि भुवन बाम को लाया गया है, वो भी उनके टीटू मामा वाले अवतार को। तो पर्सनली मुझे टीटू मामा सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगता है बीबी का, बट देखना होगा कि ये टकेशीज कासल वो पुराने वाले जैसा मजा करवा पाएगा या नहीं। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इन्होंने जावेद जाफरी को क्यों अप्रोच नहीं किया। अगली अपडेट है सलार से। तो सलार के सैटेलाइट डिजिटल और ऑडियो राइट्स जो हैं वो 350 करोड़ में बिके हैं। मूवी के 5 लैंग्वेजेस के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदा है। भाई बिजनेस चल रहा है, बहुत भयंकर बिजनेस। अगली अपडेट है पुष्पा 2 से। तो अल्लू अर्जुन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी पुष्पा 2 अगले साल 15 अगस्त के दिन रिलीज की जाएगी और इसका डायरेक्ट क्लैश होगा रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन से। ये दोनों बड़ी फिल्में एक ही दिन में आने वाली हैं। अगली बड़ी अपडेट है कि रजनीकांत ने टीम अप कर लिया है पॉपुलर डायरेक्टर लोकेश कनगराज से उनके अगले मूवी के लिए, जिसका टाइटल है तलैवार 171। वहीं लोकेश की अगली मूवी लियो इसी साल अक्टूबर में आने वाली है और इनका लोकी यूनिवर्स कितना सुपर हिट जा रहा है वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। अगली अपडेट है कि विजय सेतुपति के अगले मूवी महाराजा से उनका फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब जिसे जो कहना है कहे, पर विजय तो अपने करियर के पीक पर चल रहे हैं भाई और आई विल से कि ही टोटली डिजर्व्स इट। तो गाइस, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कॉन्टेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।